हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज लंच में मैं बनाने जा रही हूँ फ़िश और एलिफेंट एप्पल करी। हम लोग इसे मक्सान बोलते हैं और अलग भाषा में इसे ओटिंगा बोला जाता है। अभी मैं इसे काट लेती हूँ, इसके बाद इसके अंदर के स्लीपरी वाले पार्ट को निकाल लूँगी। फिर इसे धुला के मैं इसके छोटे छोटे स्लाइस कर लूँगी। फिर मैं प्याज लहसुन और मिर्ची को रफली चॉप कर लूँगी। अब मैं फिश को हल्दी नमक मिला के इसे फ्राई कर लूँगी हल्का सा। और जब तक ये फ़िश फ्राई होता है मैं अलग सब्ज़ी बना लेती हूँ। एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के मैं इसे गार्लिक को फ्राई कर लूँगी। इसके बाद ये वाटर स्पिनच को इसे मैं डाल लूँगी। हम लोग इसे पुकुम बोलते हैं और आप लोग की भाषा में क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अभी मैं फ़िश करी को बना लेती हूँ। पहले प्याज लहसुन और चिल्ली को पहले थोड़ा फ्राई कर लेंगे, थोड़ा हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे। इसके बाद हल्दी नमक ऐड करेंगे। फिर इसके बाद हम ऐड करेंगे एलिफेंट एप्पल को। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का सा। तो अभी मैं इसमें मछली को ऐड कर देती हूँ। इसके बाद इसको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें पानी थोड़ा सा ऐड करके इसे ढक के छोड़ देंगे कुछ देर पकने के लिए। और मेरा ये वाटर स्पिनच हो गया है, पक गया है और फिश भी ऑलमोस्ट रेडी है। फ़िश को गार्निश करने के लिए मैं थोड़ा सा बेजल का पत्ता ले लेती हूँ। इसे हम लोग पिचिंगकिम बोलते हैं। और मेरा फ़िश अभी पक गया है और इसे मैं गार्निश कर रही हूँ ये पिचिंगकिम पत्ते से। और ये हो गया मेरा सब्जी रेडी। एंड इफ़ यू गाइस लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।